मंडलायुक्त कौशलराज शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण की 128वीं बोर्ड बैठक हुई। बैठक में वीडीए सचिव ने बोर्ड की पूर्व बैठक के लिए गए निर्णय के अनुपालन प्रस्तुत किए गए। उन्होंने दशाश्वमेध टूरिस्ट प्लाजा में दुकान आवंटन के बारे में बताया कि दुकानों का आवंटन किया जा चुका है। वर्तमान में दुकानदारों से वार्ता की जा रही है। बोर्ड द्वारा यह निर्णय किया गया कि दशाश्वमेध टूरिस्ट प्लाजा के दुकानों हेतु आसपास के प्रतिष्ठानों के साथ गुदौलिया दशाश्वमेध मार्ग में लगी दुकानों से भी संपर्क किया जाए और समाचार पत्र में सूचनार्थ दे पंजीकरण किया जाए। आवेदकों की संख्या के आधार पर आवंटन प्रक्रिया निर्धारित कर आवंटन किया जाए। एनएसयूआई बीएचयू इकाई की ओर से बीएचयू के सिंह द्वार पर इकाई अध्यक्ष राणा रोहित के नेतृत्व में भारत यात्री रहे एनएसयूआई के नव नियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष अक्षय यादव, क्रांतिवीर और डॉक्टर राहुल राजभर का शुक्रवार को स्वागत किया गया। दोनों भारत यात्री राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूरी यात्रा में साथ चले थे। भारत यात्रियों के बीएचयू गेट पहुंचने पर एनएसयूआई बीएचयू के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। इसके बाद दोनों भारत यात्रियों ने मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। बीएचयू गेट पर स्वागत के बाद एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो के नारे के साथ मालवीय भवन तक एक जुलूस भी निकाला। देखिए, देश भर में जिस प्रकार से धार्मिक सौहार्द बिगड़ रहा है, आर्थिक असमानताएं बढ़ रही है, आपसी जो भाईचारा था वो खतरे में है। आप देखे होंगे कि तमाम तरह के जो आंकड़े आ रहे हैं, चाहे हमारा फ्रीडम इंडेक्स हो, चाहे हैप्पीनेस इंडेक्स हो, चाहे हंगर इंडेक्स हो, तमाम सारे जगहों पे हम मात खा रहे हैं। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत के लगभग 14 राज्यों में होकर गुजरी है, उस यात्रा में हमारे विश्वविद्यालय के बड़े भाई राहुल राजभर जी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बड़े अक्षय यादव, क्रांतिवीर जी एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, इन्होंने पूरे राहुल जी के साथ लगभग 5 महीनों तक चला था। तो आज भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब इनकी उपस्थिति बनारस में हुई तो हम सब ने रिक्वेस्ट की कि आप भी आइए। बड़े भाई के नाते राहुल राजभर जी भी आए और अक्षय यादव जी भी आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी के अस्सी घाट पर फावड़ा चलाकर स्वच्छता अभियान का आगाज किया था। जय मां गंगा सेवा समिति पीएम की इस पहल को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। समिति की ओर से भागीरथी को निर्मल रखने के लिए नियमित लोगों को शपथ दिलाई जाती है। इसके साथ ही गंगा आरती की शुरुआत होती है। ये प्रयास रंग ला रहा है धीरे धीरे ही सही, लेकिन गंगा को साफ सुथरा रखने के लिए अब लोगों में चेतना जागृत हो रही है। समिति की ओर से पिछले कई माह से घाट पर होने वाली गंगा आरती में शामिल होने वाले दर्शनार्थियों को मां गंगा को स्वच्छ और निर्मल रखने की शपथ दिलाई जाती है। साबुन का प्रयोग नहीं करूंगा। पांचवा, गंगा व अन्य नदियों में बहुत बहुत धन्यवाद। नित्य प्रति काशी के इस ऐतिहासिक घाट पर हम नित्य प्रति अपने भक्तों श्रद्धालुओं से प्रण दिलवाते हैं, प्रतिज्ञा करवाते हैं। आप लोगों ने प्रतिज्ञा किया, बहुत बहुत धन्यवाद। भोजूबीर से सिंधौरा मार्ग पर शुक्रवार की सुबह अतिक्रमण दस्ता पहुंचा। दस्ते ने भोजूबीर सब्जी मंडी के पास नाले पार से अतिक्रमण हटाना शुरू किया तो व्यापारी लामबद्ध हो गए। विरोध के दौरान नोकझोंक होने लगी। इसी बीच पुलिसकर्मी लाठियां भाजने लगे, जिससे जिशान नामक एक व्यापारी का सिर फूट गया और दूसरा चोटिल हो गया। ये देख व्यापारियों को पारा चढ़ गया और वो सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। सूचना पर एसीपी अतुल कुमार अंजान और एडीएम सिटी गुलाब चंद पहुंचे। व्यापारियों और अधिकारियों के बीच वार्ता हुई। व्यापारियों ने खुद से अतिक्रमण हटाने के लिए 2 दिन की मोहलत मांगी है। इसके बाद अतिक्रमण दस्ता लौट गया। श्री विश्वकर्मा मंडल काशी राजतालाब में शुक्रवार को हीरालाल विश्वकर्मा की अध्यक्षता में भगवान विश्वकर्मा जयंती समारोह का आयोजन किया गया। सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पारसनाथ शर्मा मुख्य अतिथि रहे। आईपीएस राधेश्याम विश्वकर्मा व भाजपा जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, सेवापुरी विधायक नील रत्न पटेल विशिष्ट अतिथि रहे। इस मौके पर वंशराज पटेल, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल, नंदा प्रसाद विश्वकर्मा, विश्व शर्मा आदि लोग दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किए। दुनिया को शांति त्याग और राम राज्य का पाठ पढ़ाने वाले पवित्र धर्म ग्रंथ श्री रामचरितमानस पर टिप्पणी करने और जलाए जाने को लेकर भारतीय आवाम पार्टी के सुभाषवादी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नजमा परवीन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने लबई के मुंशी प्रेमचंद स्मृति द्वार पर प्रदर्शन किया। श्री रामचरितमानस को सर पर रखकर सर्वोत्तम सम्मान दिया। हाथों में मुस्लिम महिलाओं ने तख्तियां लेकर संदेश दिया, किसी भी धर्म का अपमान अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे लोगों पर रासुका के तहत कार्रवाई। हम लोग स्वामी प्रसाद मौर्य का वो विरोध कर रहे हैं, उनका उन्होंने रामचरितमानस हमारे पवित्र ग्रंथ का अपमान किया है, जो कि श्री रामचरितमानस चलते ही दलितों को सम्मान मिलता है और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध कर रही है। परम पावन नेताजी ने प्रभु श्री राम का अनुसरण करते हुए देश को आजादी दिलाई थी। ये
स्वामी प्रसाद एक नंबर का धोखेबाज, नाटकीय, अधर्मी है और पूरा मरीच है। ये अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर इसको दलितों और महिलाओं की इतनी चिंता रहती तो ये उनका अपमान करने वालों, बहन मायावती का अपमान करने वालों की पार्टी मना जाता और वहाँ महासचिव न बनता। हम लोग जो है दलित इससे बहुत गुस्से में है और वो उनका हर स्तर पर विरोध करेगा और उनको पार्टी जिस पार्टी में भी जाएगी उस पार्टी का विरोध किया जाएगा। योगी सरकार 10 से 12 फरवरी को उत्तर प्रदेश में आर्थिक निवेश की नई गाथा लिखने जा रही है। इसके पहले शनिवार को वाराणसी मंडल के 4 जिलों की मंडलीय स्तर की बैठक होगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए नए रास्तों को खोल दिया है। इसके अलावा माफिया राज से छुटकारा भी निवेशकों को पूर्वांचल की ओर आकर्षित कर रहा है। यही कारण कि वाराणसी मंडल के 4 जिलों वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर और चंदौली में ही निवेशकों ने लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव सरकार को दिया है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन अथवा अन्य बड़ी कोशिशों के बीच शुक्रवार को माता अन्नपूर्णा मंदिर के महंत और महानिर्वाणी अखाड़े के शंकरपुरी ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान कर दिया। काशीपुर अधिपति श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन से पहले प्रथम पूज्य ढूंढीराज गणेश मंदिर को स्थानांतरित करने की साजिशों पर एक पल में पानी फेर दिया। तमाम अटकलों के बीच शुक्रवार को बकायदा शंकरपुरी महाराज ने प्रेस वार्ता बुलाई और साफ शब्दों में कहा कि यदि ढूंढीराज गणेश की मूर्ति या मंदिर स्थानांतरित होगी तो काशी की जनता के साथ वो सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे। आज ढूंढीराज पे संकट आया हुआ है। संकट का कारण यह है कि शासन प्रशासन जो कार्य कर रहा है उनकी मंशा से ऐसा लग रहा है कि ढूंढीराज को भविष्य में विस्थापित कर सकते हैं। तो ढूंढीराज का एक महत्व है, काशी में देखा जाए तो ढूंढीराज का अलग महत्व है। बाबा विश्वनाथ ने आशीर्वाद दिया है कि रविदास जयंती की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। भैंसासुर घाट स्थित रविदास मंदिर में भक्तों के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया है। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार के शनिवार को यहां पहुंचने की संभावना है। उनकी देखरेख में कार्यक्रम आयोजित होगा। रविदास जयंती 5 जनवरी को है। वाराणसी के सीर गोवर्धन स्थित रविदास मंदिर के साथ ही भैंसासुर घाट स्थित रविदास मंदिर में जयंती के उपलक्ष में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचने वाले भक्त संत शिरोमणि रविदास का दर्शन पूजन कर रहे हैं। मंदिर के प्रबंधक सतीश कुमार ने बताया कि शनिवार को लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार मंदिर आएंगी। उनके देखरेख में सारा कार्यक्रम संपन्न होगा। बताया कि 1 माह से तैयारियां चल रही हैं। ये गुरु जी के जयंती के उपलक्ष्य में आज से भंडारा का लंगर चालू हो रहा है यहाँ से 11:30 से, और ये 3, 4, 5, 6, 4 दिन चलेगा और पूर्व लोकसभा स्पीकर माननीय मीरा कुमार जी आ रही हैं। संत रविदास की जयंती समारोह में भाग लेने शुक्रवार की रात रैदासियों के प्रथम धर्म गुरु संत निरंजन दास अपने अनुयायियों के साथ सीर गोवर्धन पहुंचे। मंदिर पहुंचने के बाद उन्होंने अपने संत के चरण में शीश नवाया। संत निरंजन दास अनुयायियों के साथ देर शाम को बेगमपुरा एक्सप्रेस से कैंट स्टेशन पहुंचे। इसके बाद बसों से सीर गोवर्धन पहुंचे। उनके मंदिर पहुंचते ही जय घोष से वातावरण गूंज उठा। संत ने पहले मंदिर में गुरु के चरणों में मत्था टेका। मंदिर परिसर को विद्युत झालरों से आकर्षक ढंग से सजाया गया था। संत और उनके अनुयायियों के बाद बेला क्षेत्र की रौनक बढ़ गई। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।